वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी बीएसटीसी पीटीटी के अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारे राजस्थान अध्ययन का कक्षा सात का पार्ट चल रहे हैं, उनमें हमने दो पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज के इस वीडियो में हम कक्षा सात का पार्ट तीसरा कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है दोस्तों कृषि एवं सिंचाई। ठीक है, इससे दोस्तों आपकी प्रतियोगी परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा एक दो प्रश्न बनने की संभावना रहती है, तो हम एक दो प्रश्नों को छोड़ने वाले नहीं है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कृषि एवं सिंचाई को कंप्लीटली देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, या फिर आप पहले से सब्सक्राइब कर रखे हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में कृषि एवं सिंचाई के बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। दोस्तों अब इससे पहले हम बात करते हैं प्रमुख फसलों के बारे में। फसलों के बारे में बात करें दोस्तों, तो बात करें प्रमुख फसलों की, तो प्रत्येक फसल को एक निश्चित तापमान बिल्कुल यानी कि टेम्परेचर, पानी की मात्रा, मृदा एवं जलवायु की आवश्यकता होती है। अतः मौसम के अनुसार अलग अलग फसल उगाई जाती है। सबको पता है कि अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलें उगाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मौसम के आधार पर फसलों के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों आपको पता है कि सामान्यतः फसलों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है रबी की फसल, दूसरा है खरीफ की फसल और तीसरा है जायद की फसल। ठीक है, रबी की फसलों में क्रमशः देखें तो रबी की फसलों में दोस्तों अपने कौन कौन सी फसल आती है, जैसे गेहूं हो गया, सरसों हो गया, चुकंदर हो गया, चना और जौ अपने को रबी की फसल में देखने को मिलती है। ठीक है, रबी की फसल की बात करें तो दोस्तों इसकी बुआई दोस्तों अपने अक्टूबर एवं नवंबर के महीने में इसकी बुआई की जाती है। ठीक है, और कटाई दोस्तों मार्च और अप्रैल में की जाती है। ठीक है, तो ये तीन बातें आपको रबी की फसलों के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं खरीफ की फसलों में, तो खरीफ की फसलों में दोस्तों आप सबको पता है कि बाजरा, गंवार, मक्का, चावल, मूंग, मोठ, तिल, जवार, मूंगफली, कपास एवं गन्ना देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जो इसकी बुआई है वो अपने जुलाई माह में की जाती है खरीफ की फसल की, और कटाई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। ठीक है, जिस समय हम रबी की फसल बोते हैं उसी समय अक्टूबर नवंबर में क्या होती है, इसकी कटाई की जाती है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं जायद की फसलों के बारे में, तो जायद की फसलों में ज्यादातर दोस्तों फल हो गया खरबूजा, जैसे तरबूज हो गया, सब्जी हो गई केकड़ी, ककड़ी, ये जिसको हम ककड़ी के नाम से जानते हैं, वो इसमें जायद की फसलों में देखने को मिलती है। ठीक है, इसकी बुआई अपने अप्रैल के माह में की जाती है। ठीक है, और कटाई अपने जून में हो जाती है। ठीक है, अप्रैल मई जून यानी कि दो महीनों बाद इनमें फल आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ अपने तीन भागों में बांटा गया है ज्यादातर फसलों को। ठीक है, मौसम के आधार पर फसलों को तीन भागों में बांटा गया है, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद की फसल। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछ सकता है कि निम्न में से रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है और अपने जायद की फसल कौन सी है, तो आपको इनके अनुसार बताना होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्नों की, तो दोस्तों आप सबको पता है कि जिन फसलों के उत्पादन से तेल निकाला जाता है उन्हें तिलहन कहा जाता है, जैसे तिल, मूंगफली, सरसों आदि। ठीक है, तिलहन फसलें उनको कहा जाता है दोस्तों जिन फसलों से तेल निकाला जाता है। ठीक है, समझ गए, जिसमें तेल में क्या कहता है, तिल तो आते ही आते हैं, मूंगफली आती है और सरसों आती है। अगला है कि जिन फसल उत्पादों में दालें बनाई जाती हैं उन्हें दलहन कहा जाता है, जैसे दाल कौन कौन सी, मूंग हो गया, चना हो गई, मोठ हो गई आदि। ठीक है, अगला है खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें क्या होती है, जो खाने के योग्य होती है उनको खाद्यान्न फसलें कहते हैं, जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, ज्वार, मक्का, चावल, दालें। ठीक है, आदि। और व्यापारिक फसलें क्या होती है, जिससे हम बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, जैसे कपास हो गया, गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, तिलहन हो गया। तिलहन में मतलब कि तिल, मूंगफली, सरसों, ये आती है तिलहन में। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार के हैं जो आप सबको पता है, बिल्कुल सरल से प्रश्न है। चलो अब बात कर लेते हैं कि राजस्थान में बोई जाने वाली प्रमुख फसल एवं उनके उत्पादक जिले। ठीक है, बात करते हैं गेहूं के बारे में। दोस्तों गेहूं के बारे में बात करें तो राजस्थान के प्रमुख गेहूं उत्पादक जिलों में सबसे पहले नंबर पर आता है श्रीगंगानगर। ठीक है, श्रीगंगानगर को दोस्तों अन्न का कटोरा भी कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। पूछ लेगा कि श्री अन्न का कटोरा राजस्थान के किस जिले को कहा जाता है, तो आपको बताना है श्रीगंगानगर को। ठीक है, श्रीगंगानगर के बाद गेहूं का उत्पादन होता है अपने हनुमानगढ़ में, फिर कोटा, बारा, भरतपुर इत्यादि जिलों में अपने गेहूं का मुख्यतः उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जौ और ज्वार की। ठीक है, जो जवार की बात करें तो जो का उत्पादन जयपुर, श्रीगंगानगर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, झुंझुनू, नागौर आदि में किया जाता है। ठीक है, जवार का उत्पादन अजमेर हो गया, पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर, जयपुर आदि जिलों में होता है। ठीक है, इन बातों को आपको पता होनी चाहिए आपको। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले फसलों के बारे में, तो बात करें मक्का के बारे में, तो दोस्तों मक्का के बारे में बात करने से पहले बात करते हैं
मक्का के बारे में। तो दोस्तों मक्का में क्या होता है कि मक्का राजस्थान का विशेषकर मेवाड़ का प्रमुख भोजन है। ठीक है, मेवाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं? भीलवाड़ा हो गया, उदयपुर हो गया, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद आदि प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बाजरा की। तो दोस्तों बाजरा में क्या होता है, यह राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न है। आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, तो आपको बताना है बाजरा। बाजरा राजस्थान के प्रत्येक जिले में आपको उगता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, बाजरे के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान भी है। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा बाजरा अपने राजस्थान के अंदर ही होता है। ठीक है, जिसमें अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर जिले में बाजरे का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं बाजरे के बाद चने की। तो चने का दोस्तों, चने का उत्पादन बीकानेर हो गया, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर, पाली जिलों में आदि जिलों में किया जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं सरसों के बारे में। तो दोस्तों सरसों के बारे में बात करें तो राजस्थान देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादक राज्य है। ठीक है, एक तो बाजरा और सरसों में देश का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य अपने राजस्थान है। ठीक है, सरसों के प्रमुख उत्पादक जिले हो गए अलवर हो गया, टोंक हो गया, भरतपुर, श्री गंगानगर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर एवं बारा जिलों में अपने सरसों बोई जाती है ज्यादातर। ठीक है, आगे बात करें तो राजस्थान का बाजरा, इसबगोल, सरसों, गवार, मोठ एवं जीरे के उत्पादन में देश का प्रथम स्थान है। आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि राजस्थान कौन कौन के किस किस फसल के उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता है। तो दोस्तों उसमें राजस्थान बाजरा हो गया, इसबगोल की खेती होगी, सरसों की खेती होगी, गवार, मोठ, जीरे के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, जीरा भी अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है। मोठ जो अपने तिलहन फसलों में आती है, वो भी दलहन फसलों में आती है, उसका भी उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, गंवार का भी उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, सरसों का भी सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है, इसबगोल का भी सबसे ज्यादा सर्वाधिक उत्पादन अपने राजस्थान में होता है, और बाजरे का तो होता ही होता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म भी स्थित है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए राजस्थान का सबसे बड़ा यानी कि एशिया महाद्वीप का या बोले भारत का सबसे बड़ा कृषि फार्म आपसे पूछ ले तो सूरतगढ़ में स्थित है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म, ठीक है, सूरतगढ़ में, कहां पे? श्रीगंगानगर जिले में। अब बात कर लेते हैं राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधनों के बारे में। ठीक है, सिंचाई के साधन के बारे में बात करें तो राज्य में सिंचाई के प्रमुख साधन कुएं हो गए, नलकूप, नहरें, तालाब इत्यादि से सिंचाई होती है अपने राजस्थान के अंदर, आप सबको पता है। ठीक है, तो राजस्थान में सिंचाई के साधनों में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों किसे की जाती है। ठीक है, राजस्थान में पूछ लेगा सर्वाधिक सिंचाई अपने किस में होती है, किसके द्वारा की जाती है, तो कौन सा स्रोत है सबसे ज्यादा सिंचाई का, तो अपने नलकूपों द्वारा अपने सर्वाधिक सिंचाई होती है। ठीक है, और जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर आदि जिलों में इन साधनों से सिंचाई की जाती है। ठीक है, नलकूपों के द्वारा। ठीक है, बात करें राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर जिलों में नहरी सिंचाई की जाती है, और वाटरमैन जल पुरुष के नाम से दोस्तों प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह को रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है, तो राजेंद्र सिंह को जाना जाता है वाटरमैन के नाम से, इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। चलिए दोस्तों ये हो गया अपना कौन सा पार्ट कंप्लीट, ये हो गया कृषि एवं सिंचाई पार्ट का, हमने शॉर्ट समरी यानी कि शॉर्ट तरीके से हमने इस पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। यहां से दोस्तों आपके एक या दो प्रश्न बन सकते हैं, चलिए देखते हैं किस प्रकार के यहां से प्रश्न बन सकते हैं कृषि एवं सिंचाई से संबंधित। तो चलिए हाथ के हाथ हम लगे हाथ इन प्रश्नों को भी सोल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न आप सबके सामने है, आपको सबको मिलकर के इसका जवाब देना है। 10 प्रश्न मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। पहला प्रश्न आप सबके सामने है कि राजस्थान में सिंचाई के निम्नलिखित साधनों में से किससे सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो अभी अभी हमने बात की थी नलकूपों के द्वारा राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। बात करें वाटरमैन जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है, तो राजेंद्र सिंह, अभी अभी हमने बात की थी जस्ट एक मिनट पहले, तो राजेंद्र सिंह अपने वाटरमैन के नाम से प्रसिद्ध है राजस्थान में। अगला है कि जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि कौन सी है। तो जल संरक्षण हेतु सिंचाई की राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ विधि की बात करें तो बूंद बूंद सिंचाई एवं फव्वारों से की जानी चाहिए, ठीक है, राजस्थान में। ठीक है, चलिए जहां पे पानी की समस्या होती है वहीं पे ऐसी बूंद बूंद सिंचाई एवं फव्वारों से सिंचाई की जानी चाहिए। आगे बात करें चौथा प्रश्न की राजस्थान बाजरा, इसबगोल, सरसों, गवार, मोठ एवं जीरे के उत्पादन में देश में कौन सा स्थान पर है। तो दोस्तों अपने पहले स्थान पर है। पांचवा प्रश्न है कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ पे है। तो सबको पता है दोस्तों सूरतगढ़ में है, अभी अभी हमने बात की सूरतगढ़ कहाँ पे है, तो सूरतगढ़ अपने कहाँ पे, श्री गंगानगर जिले में है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं अगले इंपोर्टेंट प्रश्न की। तो अगला इंपोर्टेंट प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि मेवाड़ का प्रमुख भोजन निम्न में से कौन सा है। तो मेवाड़ का प्रमुख भोजन अपने बाजरा है, ठीक है, और राजस्थान का भी प्रमुख भोजन की बात करें तो बाजरा ही है। ठीक है,
अगला सातवां प्रश्न दोस्तों, छठा प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। सातवां प्रश्न है कि कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन आदि किस प्रकार की फसलें हैं। तो दोस्तों ये अपने व्यापारिक फसलों में शामिल होती हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि आठवां प्रश्न है कि राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न कौन सा है। तो राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न के बारे में अभी हमने बात की थी, कौन सा है, बाजरा अपने राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न फसलों में आती है। नवा प्रश्न है कि इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान के किस जिले में सिंचाई होती है। तो दोस्तों श्री गंगानगर जिले में सिंचाई होती है इंदिरा गांधी से, बीकानेर में भी होती है, हनुमानगढ़ में भी होती है। तो राइट आंसर अपना दिया जाएगा इन सभी जिलों में अपने इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सिंचाई होती है। और लास्ट प्रश्न है दोस्तों आज के इस वीडियो का कि वाटरमैन राजेंद्र सिंह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये अपने किया गया है रमन मैग्सेसे पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये थे अपना आज का पाठ कृषि एवं सिंचाई कक्षा 7 का तीसरा पार्ट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना दोस्तों। और हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबको पता होगा, अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके ट्रेनिंग के माध्यम से आपका BSTC PTT का संपूर्ण कोर्स फ्री में उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है सभी प्लेलिस्ट का, जाके चेकअप जरूर करना और सभी वीडियो को एक एक करके देखना और प्रॉपर अपने नोट्स बनाना, ताकि आप भी BSTC PTT एग्जाम में पास हो सके और अपने मनपसंद कॉलेज चयनित कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।